के कांग्रेस के फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को एक बार फिर से खोला गया है और इस मामले में आईटी ट्रिब्यूनल में 21 फरवरी को सुनवाई अब होनी है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। बता दें कांग्रेस से जुड़े खातों जो आईटी डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिए थे उन्हें आईटी ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिल गई है। विवेक तन्खा ने बताया है कि कांग्रेस के खातों पर रोक बुधवार तक हटा दी गई है। इससे पहले पार्टी के सीनियर नेता अजय माकन ने दावा किया था कि आयकर विभाग पर पार्टी के सभी बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। अजय माकन ने सवाल ये किया था कि चुनाव की घोषणा में चंद दिन रह गए हैं और ऐसे समय में अकाउंट फ्रीज करके ये सरकार क्या दिखाना चाहती है। तो कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने के मामले में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांग्रेस को आंतरिक राहत भी दी है। ऑल बैंक अकाउंट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑफ द एआईसीसी हैव बीन फ्रोजन व्हिच मींस इन द कमिंग फेस्टिवल ऑफ इलेक्शंस द लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। वी विल नॉट बी एबल टू टेक अप एनी एक्सपेंडिचर व्हाटसोएवर वेदर इट इज मूवमेंट ऑफ vehicles, people, yatras, anything at all connected with these elections. The court heard me with for some time. It also, I said, we have very good case on facts. We had filed a return on time. It is being misconstrued and only on for that reason, we can't be punished disproportionately. इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय स्तर पर सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 पर। और जिस तरह से ये सब हुआ, आयकर विभाग ने जिस तरह से किस आधार पर ये अकाउंट फ्रीज किए थे, आखिरकार क्या आधार रहा और इसके बाद अब आंतरिक राहत मिली है, अगली सुनवाई बुधवार को होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मूल रूप से कांग्रेस पार्टी के जरिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, देश की आवाज, जनता की आवाज उठाती है, एक बात। और दूसरा, कल इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैधानिक है। इन दोनों चीजों के साथ में कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने के लिए ही नहीं, पूरे देश को धमकाने के लिए ये अकाउंट सीज किए गए थे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर कोर्ट हमारी बात नहीं मानेंगे या कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा तो हम किस स्तर तक जा सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नाम पर पूरे देश को, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को जो एनडीए में है, यानी जो भाजपा के साथ है या जो भाजपा के विरोध में है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक ये मैसेज है कि देखिए, हम कांग्रेस के साथ ऐसा कर सकते हैं, आप या तो चुप रहिए, जो भी विरोध में होगा उसका विरोध हम किसी भी हद तक दबा देंगे। ये एक मूल संदेश था इस फ्रीजिंग का। अभी हमें फौरी राहत भी है, बुधवार तक है, हम खाते जमा कर देंगे। हास्यास्पद रूप से कांग्रेस के ऊपर 210 करोड़ रुपए की लायबिलिटी लगा दी। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आप लायबिलिटी कैसे दे सकते हैं जब वो 100% एग्जम्प्ट है? किस बात के 210 करोड़ रुपए आप लायबिलिटी लगा रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी का चंदा टोटल टैक्स फ्री। पॉलिटिकल पार्टीज का अगर कोई किराए का मकान हो या कहीं से उनका और अन्य इनकम आ रही है, वो टोटल टैक्स फ्री। किस बात का आप पेनाल्टी लगा सकते हैं? तो ये समस्या पर है भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि विषयांतर करना था, सुप्रीम कोर्ट को वो कुछ नहीं कह सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला किया है। मेरा तो बहुत स्पष्ट कहना है सारी पॉलिटिकल पार्टियों से कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था और मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल में तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए और जनता को चाहिए इस आपताई सरकार के खिलाफ खड़ी हो, भले ही वो एनडीए की राजनीतिक पार्टियां हो, उन्हें भी इस फैसले का विरोध करना चाहिए। सुरेंद्र जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 2018-19 के आयकर रिटर्न का कहीं ना कहीं आरोप लगा और इसको लेकर अब किस तरह से कांग्रेस आगे आने वाले समय में काम करेगी, किस तरह से, ये भी जानकारी मिल रही थी कि कानूनी रूप से आगे बढ़ेगी, लड़ाई करेगी। देखिए, कानून, हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश के संविधान में पूरी तरीके से भरोसा रखने वाले लोग हैं। इसी इनकम टैक्स में अभी हमें 45 दिन का समय दिया है, 45 दिन का समय हुआ नहीं, तो आप किस तरीके का आरोप? भारतीय जनता पार्टी विषयांतर कर रही है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पे इन्होंने बुरी तरीके से मुंह की खाई है, सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा।
हम तो देश को मानने, कानून को मानने वाले, हम ही लोगों ने संविधान बनाया था, हम संविधान नहीं तोड़ेंगे। हम तो पूरी तरह, वो कानूनी लड़ाई अपनी जगह, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, कानूनी लड़ाई हमारे वकील लड़ेंगे, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लड़ेंगे, लेकिन हम तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक बात करेंगे। राजनीतिक बात बहुत स्पष्ट है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को खुली धमकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है पॉलिटिकल पार्टीज, उनको भी खुली धमकी है ये कि हमारा साथ दो, चुप रहो, नहीं तो खाते भी सीज हो जाएंगे। ये भी आपने अभी चूंकि जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं सियासी प्रेरणा से प्रेरित नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कौन कौन से वो अकाउंट थे जो फ्रीज हुए हैं, जिनमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। ट्रांजैक्शन तो अभी उन्होंने आंतरिक रोग को खत्म कर दिया है बुधवार तक, तो ट्रांजैक्शन सभी में शुरू हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से दो अकाउंट, हमारा यूथ कांग्रेस का जिसमें हमारी क्राउड फंडिंग आई, और हमारा मेन कांग्रेस का अकाउंट, ये दो अकाउंट इन्होंने फ्रीज किए थे। जी सुरेन जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वो डोनेशन में जो पैसे मिलते हैं, जो दान राशि जो मिलती है, वो वाले अकाउंट थे वो? देखिए, हमारी दान राशि जितनी भी क्राउड फंडिंग के जरिए है, वो नहीं अकाउंट्स में है, और वो सारी की सारी कर से मुक्त है, 100% एग्जम्प्टेड है, और जो लोग दान देते हैं वो दान राशि अपनी अपने इनकम टैक्स में भी वो कर मुक्त करा सकते हैं। जी तो ये तो मैं आपको सच बात बताऊं, मैम, कल की डेट में आपका भी खाता फ्रीज हो जाएगा अगर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, आपके चैनल का भी खाता फ्रीज हो जाएगा, यकीन करें आप मेरी बात पर कि ये धमकी हमें नहीं है खाली, हमारे लिए तो चुनौती है, हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे, लेकिन ये धमकी एक्चुअल में आप जैसे सब लोगों के लिए है, सारे चैनलों के लिए भी, हमारी बात मानो नहीं। सुरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पार्टी के बैंक खातों से फ्रीज हटा दिए गए हैं, अंतरिम राहत फिलहाल मिली है और अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी।